नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय टुंडी गोविंदपुर सीमांकन में बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता गोविंदपुर प्रखंड अध्यक्ष शाहीन परवीन और संचालन भवानी देवी द्वारा की गई। धनबाद जिले के तमाम प्रभारी गणमान्य लोगों के बीच संघ जिला कमेटी का चुनाव किया गया। देखिए ये रिपोर्ट में। जिला अध्यक्ष डिंपल चौबे, जिला सचिव रक्षा कुमारी राय, कोषाध्यक्ष संध्या हेम्ब्रोम, उपाध्यक्ष भारती कुमारी सहित अन्य लोग इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सोनी यादव और प्रदेश महासचिव पार्वती सोरेन द्वारा संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पोषण सखी 5 अपनी सूत्री मांगों को लेकर संगठन द्वारा CDPO को आवेदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं 15 दिसंबर को कल्याण पदाधिकारी, 22 दिसंबर को धनबाद उपायुक्त और 29 दिसंबर को मुख्य सचिव की 5 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा। नवचयनित जिला अध्यक्ष श्रीमती डिंपल चौबे द्वारा वर्तमान सरकार से अविलंब मानदेय बढ़ोतरी की मांग की गई और साथ ही कहा गया कि हमारी नियुक्ति 4 वर्ष पहले स्नातक के माध्यम से हुई और आज इस महंगाई के दौर में मानदेय के रूप में मासिक 3,000 रुपए भुगतान किया जाता है, वह भी सही समय में भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे हमें अपने परिवार के भरण पोषण में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमें वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार को बनाने में सह सेविका पोषण सखियों का अहम योगदान रहा है। बैठक में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सोनी कुमारी यादव, प्रदेश महासचिव श्रीमती पार्वती सोरेन, प्रदेश उपाध्यक्ष अंजनी कुमारी, प्रदेश संयुक्त सचिव अंजू कुमारी सहित अनेक आंगनबाड़ी महिला उपस्थित रही। तमाम सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं? इस वर्तमान सरकार से हमारी बहुत अपेक्षा है। हम इस सरकार को, हम पोषण सखियां सभी मिलकर इनको बनाने में बहुत अपनी भूमिका अदा किया है और इनसे मेरा यही उम्मीद है कि तत्काल हमारे 5 सूत्री मांगों को देखते हुए पूरा करने का कोशिश करें। आपको लगता है कि ये वर्तमान हेमंत सरकार आपकी 5 सूत्री मांगों को पूरा करेगी? जी पूरा करेगी, क्योंकि इन्हें बनाने में हमने अपना अहम भूमिका निभाया है। पोषण सखियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, अहम भूमिका योगदान दिया है। नाम और पद जी, मेरा नाम रक्षा कुमारी राय और मैं जिला कमेटी की सचिव। चारी संघ का आज जिला धनबाद जिला कमेटी का विस्तार हुआ। प्रदेश पदाधिकारी सोनी यादव से ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आवश्यकता पड़ा पोषण सखियों का कि आज जिला कमेटी का गठन किया जा रहा है। अब बताइए कि जिला कमेटी जो आज गठन हुआ, इसके माध्यम से पोषण सखी को क्या लाभ मिलेगा? हम सभी पोषण सखी साथियों का मुख्य मांग है कि हमारा न्यूनतम मजदूरी 13,184 रुपया हो। दूसरा मांग है कि हमारा ड्रेस कोड लागू किया जाए। तीसरा मांग है हम सभी पोषण सखी साथियों को बीमा योजना का लाभ दिया जाए। चौथा मांग है, ये हमारा पोषण सखी का चौथा मांग है कि सभी साथियों को उच्चतर पदों पर बहाली किया जाए। और पांचवा मांग है कि हम सभी पोषण सखी साथियों को शोषण से मुक्त किया जाए। यानी आज तक पोषण सखियों का शोषण ही होता रहा पदाधिकारियों के द्वारा। जितना काम लिया जाता इन लोगों से उसके आवाज में मानदेय नहीं दिया जाता। और नव नियुक्त जिला अध्यक्ष जो बनी है हमारे बीच, जो पूर्व में भी समाज सेविका के रूप में जानी जाती रही है, आइए हम मिलते हैं डिंपल चौबे जी से। डिंपल चौबे जी, आप ये बताइए कि जिला कमेटी जो धनबाद की बनी है उसमें किस चीज़ का पहला प्राथमिकता दीजिए? पहले तो अपना संघ का, हम संगठन जो बनाए हैं उसका विस्तार करेंगे ताकि सबको जागरूक कर पाए। जो पोषण सखी का मानदेय बहुत कम है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको आगे बढ़ना है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है, हमारे संगठन से जुड़ना है उन्हें। इसी के लिए हम पहले जागरूक करेंगे सभी पोषण सखियों को। सब 11 प्रखंड धनबाद जिला में 11 प्रखंड है। 11 प्रखंड के सभी पोषण सखियां प्रतिनिधि आई थी, उन्होंने सर्वसम्मति से इन्हें चयन किया है और आज इनको कार्यभार मिला है। अब देखना है कि ये आगे चलकर ये क्या कर पाती है। अगला कदम आपका क्या होने जा रहा है? मेरा अगला कदम वही बोले, प्रचार करेंगे, विस्तार करेंगे पोषण सखी संगठन का, हम ताकि आंदोलन आगे
आंदोलन के लिए जो हम क्रमबद्ध जो चलेंगे उसमें सबका सहयोग होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। उसके लिए सभी 11 प्रखंड की पोषण सखियों को जागरूक करके हम इकट्ठा करके उन्हें अपना विचार रखेंगे। अंतिम अंतिम एक प्रश्न की इसका उद्देश्य क्या है, कमेटी गठन का उद्देश्य क्या है, एक लाइन में? हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा मानदेय बहुत कम है, हमारा उच्चतम स्तर पर स्नातक स्तर पर यहाँ तक कि बीएड पीएच बहुत कोई की हुई है, उस आधार पर बहाली हुई है। नाम और पद बताइए। हमारा नाम है डिंपल चौबे, गोविंदपुर प्रखंड से जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे चयन किया गया है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।